आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चुनाव आयोग में अपना अपना दावा पेश करने वाले हैं पिता और पुत्र। पिता यानी मुलायम सिंह यादव, जो कि थोड़ी ही देर बाद चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह के घर अमर सिंह और शिवपाल यादव पहुंच गए। सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का पक्ष चुनाव आयोग को शपथ पत्र देगा, जिसमें यहां लिखा होगा कि रामगोपाल यादव ने जो अधिवेशन बुलाया था वो असंवैधानिक है, वो अवैध है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम के शपथ पत्र में होगा कि रामगोपाल द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र में जितने भी सिग्नेचर्स हैं उसमें से कई फर्जी हैं। तो दोपहर 12:45 पर मुलायम सिंह चुनाव आयोग जाने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये बताएंगे कि वही समाजवादी पार्टी के असली नेता है, वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल से। नरेश जी, मुलायम सिंह यादव आज मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, दावा भी कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि असली समाजवादी पार्टी उन्हीं के पास है, उन्हीं वही अध्यक्ष हैं। ऐसे में जो चुनाव नज़दीक है, आपको लग रहा है कि चुनाव चिन्ह अब आपके पास न रहेगा न उनके पास रहेगा? देखिए, तो नेताजी का अधिकार है, कहीं भी जाएं उसको तो हम कहीं चैलेंज कर नहीं सकते हैं। इन कुछ लोग नेताजी को भ्रमित करके इधर उधर खामखां दौड़ा रहे हैं। जब 90% समाजवादी पार्टी के MLA, MLC, MP, कार्यकर्ता अखिलेश यादव को नेतृत्व विश्वास व्यक्त कर चुके हैं, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से बात देगा हमको असली समाजवादी पार्टी स्वीकार करने में। और हमारे भी तो संरक्षक मुलायम सिंह जी हैं, हमने तो नेताजी को बाहर किया नहीं है। नेताजी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद सत्ता ला के नेताजी के चरणों में रख देंगे। तो हम नेताजी से पहला तो ये कहेंगे कि उन गलत हाथों से दूर होइए। बेटा अपना खून होता है, वो अपना ही रहेगा, बाकी पराए पराए रहेंगे। और इधर उधर ना जाए, उससे उनका कद कहीं ना कहीं घट रहा है। हम लोग चाहते हैं नेताजी का इतना बड़ा कद है, वो बड़ा कद बना रहे, हमारे हमारा ही अनुरोध है। नरेश जी, आपने कहा कि संरक्षक अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं आप उनको, और कद बना रहे, लेकिन कद गिराया कौन? ना अध्यक्ष उनको बोल रहे हैं और कद की बात कर रहे हैं, तो ये जरूर कहा जा रहा है कि कद आखिर नेताजी का गिराया कौन? अरे, संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हमारे वो हैं, उनका बेटा अध्यक्ष है। हिंदुस्तान में वारिस बेटा होता, तो बेटा वारिस बन गया है। इसमें और लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। इधर उधर वालों को क्यों तकलीफ हो रही है? चुनाव चिन्ह चाहिए इलेक्शन में। 7 फेज का चुनाव है, 17 तारीख को नोटिफिकेशन होगा, उसके पहले फैसला। अगर कोई समझौता नहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी फैसला नहीं देगा, ये आप भी जानते हैं। नया चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना आपके लिए कितनी मुश्किल होगी, चाहे अखिलेश यादव के लिए या मुलायम सिंह यादव? देखिए, ये तो ऐसा प्रश्न आपने पूछ दिया जिसकी बात अभी आई नहीं है। नेताजी हमसे अलग नहीं है, कोई नया चुनाव चिन्ह का अभी प्रश्न भी नहीं उठता है, क्योंकि हमारी दावेदारी समाजवादी पार्टी की है। 1 लाख करीब कागज भी हमने दाखिल करे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई बाधा हमको समाजवादी पार्टी स्वीकार करने में होगी। और इस पूरी बड़ी खबर पर हर पहलू से हमें डिटेल बताने के लिए 2 Zee News संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। पहला लखनऊ में विशाल पांडे, जो कि इस पूरे के पूरी पॉलिटिकल खबर पर पॉलिटिकल रिएक्शंस के साथ साथ आगे की स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं। हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता रवि भी जुड़ गए हैं, जो कि चुनाव आयोग के बाहर मौजूद है, क्योंकि किसी भी वक्त चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है मुलायम सिंह का खेमा। आप दोनों के पास मैं आऊँ उससे पहले दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ट्रैक से उतर गई है, जब चुनावी में गुल बज गया है तब ये आपसी खींचतान में लगे हुए हैं। वहीं BSP नेता सुदेंद्र भदौरिया ने कहा है कि जनता की सेवा की जगह समाजवादी पार्टी आपसी झगड़े में ही बिजी है। समाजवादी पार्टी जो साइकिल पे चढ़ के साइकिल के ट्रैक से बाहर हो चुकी है उत्तर प्रदेश के, वो चुनावी बिगुल के बाद भी अपने खींचातानी में लगी हुई है और पिंग पोंग का मैच चल रहा है। इतना जरूर साफ है कि आप लोगों ने 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल बाद जिन्होंने अपना कीमती वोट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को दिया, वो आज ठगी महसूस कर रही है। आप ये देख लीजिए कि पूरा उत्तर प्रदेश और देश चुनाव में जा रहा है, सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और वोट मांग रही हैं। ये घड़ी में अभी वोट मांग रहे हैं, कौन कह रहे हैं कि हम असली हैं? असली और नकली की पहचान तो जनता इनको करवा देगी इस बार।
दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि जनता को इन्होंने लूटा है, इनके जमीनों पर कब्जा किया है। और दिल्ली से रवि त्रिपाठी, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लखनऊ से विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख करते हैं, कब तक आ सकते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात का वक्त क्या है? 12:45 का टाइम लिया है मुलायम सिंह यादव ने और उस समय मिलकर अपनी बातें रखेंगे। कहा यह जा रहा है कि मुलायम सिंह जो भी कागजात अखिलेश गुट और रामगोपाल गुट ने दिया है उसको फर्जी करार देने के लिए दावा करेंगे और कहेंगे कि पर्सनल उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि विधायकों का जो सिग्नेचर है वो फर्जी है और गलत तरीके से सारा कराया गया है, उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। यानी कि जो प्रोसेस है उसको और लंबा खींचेंगे वो आज, इसका मतलब बात बनती नज़र नहीं आ रही है। और उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट और आपको बता दूं कि अभी 2:30 का टाइम रामगोपाल यादव ने दोबारा से मांगा, हालांकि कागजात जमा कर दिए थे पहले ही जो चुनाव आयोग ने मांगा था, लेकिन दोबारा टाइम लेने का अर्थ यही है कि अगर मुलायम सिंह खेमा कुछ कहता है तो उस बात को क्लियर करने के लिए वो दोबारा टाइम लेकर अपनी बात रखेंगे रामगोपाल यादव और उनका टीम, जैसे नरेश अग्रवाल है, तमाम उनके साथ जो लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं बात बनती नज़र नहीं आ रही है, जो बातें दिख रही है इसका मतलब 9 तारीख आज चुनाव आयोग आज का इंतजार करेगा। और पर्सनल वेरिफिकेशन की बात करें तो इस तरह का प्रोसेस करते करते 17 तारीख तक का समय मिल सकता है इन लोगों को, 17 तारीख तक आपस में सुलझा दें, अदरवाइज इस सिंबल को फ्रीज करने के अलावा कोई आपस में सुलझाने को लेकर ही तो ये अभी भी कशमकश बनी हुई है। विशाल, मुझे लगता है इनसाइड स्टोरी देंगे। विशाल, क्या है, क्योंकि ये ऐसी मिस्ट्री है जो सुलझी नहीं रही है। बाप बेटे को मिस कर रहा है, बेटा बाप को मिस कर रहा है, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्या इनसाइड स्टोरी? देखिए रूबिका, एक चुनाव आयोग के एक ये प्रोसीडिंग है, क्योंकि जब रामगोपाल यादव ने अपना पूरा शपथ पत्र जमा किया था तो उसकी एक प्रतिलिपि मुलायम सिंह यादव के घर पर पहुंचाई थी। अब मुलायम सिंह यादव जो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने जा रहे हैं चुनाव आयोग में, उसकी जो प्रतिलिपि है, उसकी जो कॉपियाँ हैं, वो अखिलेश खेमे के पास उनकी तरफ से भेजी गई हैं और उस जवाब को पढ़ने के बाद ही शायद रामगोपाल यादव ने दोबारा 2:30 का वक्त मांगा है चुनाव आयोग से। क्योंकि रूबिका, अब ये एक तरीके से साफ हो गया है कि दोनों खेमे झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुलायम सिंह यादव को जब ये खबर 1 तारीख को पता चली कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो उन्होंने अपने करीबियों से कहा ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। वो तुरंत सोफे पे बैठे थे, खड़े हो गए थे और उसके बाद से लगातार मुलायम सिंह यादव अब इसी कोशिश में है कि किस तरह से साइकिल सिंबल उनके खेमे में आए और समाजवादी पार्टी पर उनका कब्जा हो। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का खेमा भी अपनी पूरी तैयारी संख्या बल के आधार पर किए हुआ है, तो अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि साइकिल सिंबल पर दोनों अपना अपना दावा करेंगे और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को कोई बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा रूबिका। और ये बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि सिंबल तो एक पार्टी यहाँ दावा करेगी लेकिन दूसरी पार्टी भी वही दावा करती चली जाएगी, हो सकता है फ्रीज कर दिया जाए और दो अलग अलग सिंबल दे दिए जाए। बहरहाल आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।